वीडियो से पहले प्लीज डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़े। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। वालेकुम भाई, सबसे पहले आपकी लोकेशन? लोकेशन अपनी कुर्ला वेस्ट में है। कुर्ला वेस्ट बोलेंगे या फिर कलीना एयर इंडिया रोड बोलो। ओके, चिंदी मार्केट के नजदीक है, एयर इंडिया से भी नजदीक है। नियर चिंदी मार्केट। और ये अभी आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? बेसिकली अपना यहाँ पे फलाई सेटअप है। फलाई सेटअप पे आपका? अपन यहाँ पे फलाई का काम करते हैं, मतलब अपने को 1.5 साल हो गया पढ़ाई करते थे, अलग अलग जगहों पे थे थोड़ा। ओके, अभी कैसा है, थोड़ी सहूलत से कुर्ला साइड में आए। ये अपने रेंट पे प्लेस है या खुद की है? ये अभी कैसा है, ये समझ लो अपनी खुद की है। यहाँ पे हम लोग अभी परमानेंट रहेंगे इंशाल्लाह, और बाजू का भी थोड़ा एक्सपांड का है, मतलब ये जो एक वुडन वॉल है, वुडन वॉल अभी हटी हुई और इंशाल्लाह स्पेस हो जाएगी। और आपके पास पलाई के क्या चार्जेस है? पलाई के चार्जेस ऐसे है कि अगर खस्सी हो, अड्डू हो, कोई भी हो, 50 किलो के नीचे रहेगा तो 2000 रुपीज, 50 किलो के ऊपर रहेगा तो 2500, चाहे वो खस्सी हो, अंडुल कोई भी। और अगर जैसा 80-90 kg पे रहा तो फिर भी 2500 में। और इसमें वैक्सीनेशन चार्ज तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर 3 महीने के पहले कोई लेके जाता है तो जो भी नॉर्मल वैक्सीन रहता है। तो करेंटली आपके पास ये सभी सेल्फ फीडिंग का ही काम है ना? ये सभी अपने पास सेल्फ फीडिंग का काम है, अपने यहाँ भराई नहीं चलती है। और ये मतलब पैलेट पे, और ये जैसा खूटा सिस्टम भी कह सकते हैं, ये खूटे पे ही रहते हैं, हम लोग खूटे प्रेफर नहीं करते। तो ये सभी आपके पास अभी पलाई पे? ये पलाई पर है ये। और ये जो खूटा है जी, ये खूटा भी पलाई पे माशाल्लाह से। और ऐसे पैलेट पे ही रहेंगे ना सभी? पैलेट पे रहेंगे, पैलेट का भी और फ्लोरिंग आगे कंटिन्यू होगा, मतलब यहाँ पे भी जो एम्प्टी प्लेस है इसको भी आप पूरा पैलेट का वो होने वाला है फ्लोरिंग। ओके, ये भी बकरा पलाई पे आपके पास? जी, ये भी बकरा पलाई पे। बच्चे लेते हो आप? बच्चे भाई बहुत कम लेते हैं हम लोग। अच्छा, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट? जैसे आपने 50 kg कहा है, तो अगर नॉर्मली भी जो यहाँ पे आपके बच्चे बहुत ही छोटे, कोई ऐसा ला के? मतलब घर के बच्चे। हाँ, ये तो ठीक है, घर की बात अलग हो जाती है। अगर इनके कोई 20 kg का ला के दिया तो? अगर बकरा फिट एंड फाइन है और अपना टर्म्स एंड कंडीशन पे सामने वाला अग्रीड है, हाँ, तो फिर हम रखेंगे। 20 kg पे भी आप रख लोगे? रखेंगे, लेकिन कैसे अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे रहने। या फिर मिनिमम कितने केजी का आपके पास आना चाहिए? 25 kg आप ही रहेंगे तो पालने में भी मजा आता है, रिजल्ट लेने में अच्छा मजा आता है। कैसे ज्यादा छोटे होते हैं, जगह चेंज करते हैं, बहुत क्लाइमेट सेट नहीं होता है। बच्चे एक बार मैं फ्रेंडली बताऊं, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। ओके, हाँ, वो बात सही है। इसीलिए मतलब कि आपने कहा है कि 50 kg ऐसा ना हो कि लोग 20-20 किलो के बच्चे लाके लाए। अपने पास ये बकरा आया था 17 किलो पे भाई, पिछले साल आया था। ओहो, अभी आज माशाल्लाह वो देखो वो क्या स्टेज पे है, वो सानेन क्रॉस पतीर है, तो अलग ही कुछ ब्रीड बना दी जी। ओके, ये सिरोही आया था अपने पास में 19 किलो पे, 19 किलो पे आया था भाई, वो भी बकरा जाके रिटर्न आ चुका है। इसके लिए हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं बच्चे। ये बकरा 23 kg पे आया था खस्सी, इसको भी थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है। तो फीडिंग में आप क्या क्या देंगे हम वो एक बार देख लेते। और एक बात ही फात में, अगर कोई बकरी ला के देता, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेंड चला है बकरियों का भी, तो आप बकरी रखेंगे? अब भाई हम लोग बकरी अभी तो हाल फिलहाल नहीं रखेंगे, अगर आगे स्पेसिंग हम लोग बनाते हैं, जैसा हम लोग भी प्लान कर रहे हैं ब्रीडिंग सेटअप, मोहसिन भाई एक वोल्टी वाले, उनका प्लान है कुछ, अगर वो सक्सेस हो गया तो फिर अपन इंशाल्लाह बकरी भी रखेंगे, अभी फिलहाल के लिए नहीं। खस्सी और अंडुल में? अभी खस्सी और अंडुल इंशाल्लाह रखेंगे। और आप फीड में क्या क्या देते हो? फीड में अपना भाई सुबह में तो अपन जैसे अगर चलाएंगे तो सुबह पानी आता है, पानी के बाद में पत्ती आती है, हरी पत्ती सबसे पहला, हरी पत्ती आती है। ये हरी पत्ती कहाँ की आप बता सकते? ये नागौर की है, ये इमरान भाई के पास से आती है। अच्छा, वहाँ नागौर से डबल फिल्टर ही खिलाते हैं भाई हम लोग। ओके, और फिर उसके बाद? फिर उसके बाद में चुन्नी, और ये कॉटन की खल है, राय की खल है, और कभी सेंग दाने की खल है, जो भी अवेलेबल, जो भी अवेलेबल हो। चना चुन्नी और तुअर चुन्नी मिक्स करते हैं। ओके, और एक प्रपोर्शन में ये बनाते, ये गीला करके आप देते? हाँ, ये गीला करके देते हैं, मतलब ज्यादा भी गीला नहीं, थोड़ा नॉर्मली। और गेहूँ? फिर उसके बाद में वो स्टॉप कर देते हैं। ओके, वो उसके बाद में फिर पानी दिखाते हैं दोपहर में, उसके बाद में शाम के टाइम में आते हैं 4:30-5 बजे के बीच में, गेहूँ मकई मिक्स करते, और कभी कभी भाई सोयाबीन चना हम लोग डालते हैं। तो सोयाबीन और चना कब डालोगे आप? वो डालते हैं भाई, अभी अवेलेबल नहीं है अपने पास। बट ऐसा है कि बकरे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाल? नहीं, उसमें डाल देते हम लोग, अगर कोई जैसे कि बोलता है कि मेरा बकरा सिर्फ चना खाना चाहिए या सिर्फ सोया चाहिए या जो भी, आजकल क्योंकि ट्रेंड है कि लोग चाहते हैं कि जो वो चाह रहे हैं वो खिलाए, तो उसके चार्जेस तो अलग हो जाएंगे, थोड़े डिफर करेंगे, इतना भी नहीं फर्क पड़ेगा, 19-20 का फर्क रहेगा, अपन इंशाल्लाह उसमें भी करेंगे वो, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप कस्टमर से खुद बात कर लो जी।
और इसमें तुअर भूसा भाई मिसिंग है, तुअर भूसा थोड़ा आज खत्म हो गया। तुअर भूसा तो मतलब बाय डिफॉल्ट रहता है वो शाम के टाइम के एंड में डाल के पूरी ट्रे में सब। और जो आपने चार्जेस बताया उसमें वैक्सीनेशन भी इंक्लूड हो जाएगी, वैक्सीनेशन भी इंक्लूडेड है। अगर आप 3 महीने के पहले बकरा लेके जाते हो तो उसका चार्ज देना पड़ेगा। और आपके पास अगर इनकेस मैं जैसे मैं बकरा ला रहा हूँ और उसको कोई सिम्टम्स है बीमारी के तो वो टाइम पे आप लोगे उसे या नहीं लोगे? देखो अब हमारे दरवाजे पे कोई आएगा तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि उसकी कोई अश्योरिटी नहीं रहती है। हमारा डॉक्टर देखेगा, कंसल्ट करेगा, उसके बाद में हम लोग। अगर मतलब आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, डॉक्टर के थ्रू ही करता है। डॉक्टर हरि आते हैं अपने पास में और डॉक्टर राजेश आते हैं, ये दो डॉक्टर अपने फिक्स है और माशाल्लाह से मतलब थोड़ी दोस्ती है हमारी डॉक्टर से, तो वो आते जाते आते जाते, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना हफ्ते में एक बार। अगर इनके नया बकरा आया कुछ सिम्टम्स है तो आप कॉल करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट, तो उसका कोई इशू नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर हमारे पास जैसे क्या वही वापस से रिपीट करते हैं कि अगर 3 महीने के पहले कोई लेके जाता है तो उसमें उसका वैक्सीनेशन का चार्ज रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर 3 महीने से ज्यादा रहता है तो फिर इंशाल्लाह उसका कोई वैक्सीनेशन चार्ज नहीं रहेगा। और वैक्सीन दवा वगैरह जो भी है ओरल तो हम लोग पिलाएंगे, इंजेक्शन वगैरह को लेके हम देने को दे सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर का काम है वो भी का काम है। और कैल्शियम और लीवर टॉनिक आप कौन सा? कैल्शियम और लीवर टॉनिक हम लोग कैल्शियम में तो पीएनएस का देते हैं और लीवर टॉनिक ली 50 रुपए। ओके थैंक्स। तो जो नंबर है ये स्क्रीन पे अपने, इस पे कॉल एंड व्हाट्सएप दोनों है ना आपका? जी